तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा जनरल डिस्कस करेंगे अबाउट दी लिनक्स या लिनक्स एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल जो होती है। तो पहले बेसिकली ये वीडियो हम तीन पार्ट में डिस्कस करेंगे, लिनक्स यूज, जॉब्स एंड फ्यूचर ग्रोथ। तो लिनक्स यूज की अगर मैं बात करूँ तो देखो, ये आपने बहुत पहले से देखा होगा कि जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो हमेशा से 90-95% जो सर्वर्स हैं वो लिनक्स पे यूज होते आए हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इस पे बग्स या हैकिंग वगैरह के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, सिक्योर होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आप अगर चैट जीपीटी पे डालोगे तो आपको लिनक्स के बेनिफिट मिल जाएंगे वहाँ पे, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। इस वजह से कंपनीज़ इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं या बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती हैं अपने सर्वर्स के लिए। आप चाहे IBM में चले जाओ, HCL में चले जाओ या विप्रो में चले जाओ, TCS टेक महिंद्रा, कहीं भी चले जाओ, आपको लिनक्स के मोस्टली सर्वर्स मिल जाएंगे वहाँ पे ड्यू टू सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट। एंड इसके अलावा लिनक्स तब तो यूज़ होता ही था, अभी आपको पता है कि क्लाउड भी आया है मार्केट में और क्लाउड लगभग लगभग मार्केट को पूरा कैप्चर कर रहा है। एंड इसके बाद डेवॉप्स है, डेवॉप्स में भी, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये भी लिनक्स बेस है। मोस्टली आपको ये टेक्नोलॉजी लिनक्स बेस में मिल जाएगी। मैं यहाँ पे Azure की बात नहीं कर रहा हूँ, Azure में हो सकता है आप विंडोज़ यूज़ करो, बट आपका जो स्क्रिप्टिंग होता है वो एक लिनक्स बेस प्लेटफॉर्म पे होता है, जो सेल स्क्रिप्टिंग बेसिकली हम बोलते हैं। तो लिनक्स का जो यूज़ है वो अभी तो देखो 100-150-200 साल ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि क्लाउड भी लिनक्स बेस है एंड डेवॉप्स भी लिनक्स बेस है। तो ये हो गया बेसिकली उसका यूज़। एंड अगर बात करें जॉब्स की, तो मार्केट में कल भी जॉब्स बहुत थी, आपने देखा होगा कि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की यहाँ पे वैकेंसी है, वहाँ वैकेंसी है, बट स्किल्स होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने लिनक्स पढ़ रखा है और बस बेसिक चीज़ें पता है, कट कॉपी पेस्ट, डायरेक्टरी बनाना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, ये कंपनी को नहीं चाहिए, ये तो एक बेसिक पर्सन भी कर लेगा, तो ये नहीं चाहिए। आपको अच्छा स्किल होना चाहिए, अच्छा टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि लिनक्स अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो कंपनीज का सर्वर आप हैंडल करने जा रहे हो, मतलब कंपनीज में जो सर्वर्स होते हैं वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस वजह से लिनक्स की जॉब मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इनिशियल फेज पे, आप जब आप फ्रेशर होते हो, बट जॉब्स आज भी आप लिनक्स से क्लाउड में भी जा सकते हो और डेवॉप्स में भी जा सकते हो, इवन लिनक्स भी आप सीख सकते हो, तो वो फ्यूचर ग्रोथ या जॉब्स कभी नहीं कम होने वाली। एंड फ्यूचर में अगर आप चाहोगे तो फिर जैसे पाँच साल बाद या 10 साल बाद, इन केस अगर लिनक्स एडमिन में जॉब की, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें मूव करना है तो आप क्लाउड में चले जाओ, डेवॉप्स में चले जाओ। एंड ग्रोथ की बात करें तो सर्वर्स आपको पता ही है, या AWS के बारे में, डेवॉप्स के बारे में, कि अच्छी खासी मार्केट में इसकी ग्रोथ है, डिमांड है, तो वो ग्रोथ कभी नहीं ख़त्म होने वाली लिनक्स सर्वर की। तो बस ये एक बेसिक सा जनरल सा वीडियो था लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि कंपनीज़ कैसे यूज़ करती हैं जॉब्स वगैरह। एंड अगर आप सिर्फ लिनक्स अकेले सीखते हो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो सर्वर्स के लिए यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, बट जैसे हम विंडोज़ यूज़ करते हैं तो उससे आप कंपेरिजन नहीं कर सकते, उसका वो एक एडवांस लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप ये बोल लो। तो अगर आप सिर्फ लिनक्स ही सीखते हो और 5-10 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मिनिमम 15-20 लाख का पैकेज आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में पा सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।